हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्यूशन नज़र में। दोस्तों, आपने अभी थंबनेल में पढ़ा ही होगा, स्वतःहून नोंदणी करणं किती सेफ आहे आणि स्वतःहून नोंदणी केल्यास कोणते फायदे होतात। दोस्तों, आपके इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और जब बांधकाम कामगार अपनी नोंदणी खुद करता है तब उसे कौन कौन से फायदे होते हैं ये भी बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, मैं अपनी ओर से कहूँगा सभी बांधकाम कामगारों को, आप बांधकाम कामगार के सारे रिलेटेड काम आप खुद ही किया करें और आपको खुद ही करना सीखना चाहिए। दोस्तों, फिर चाहे नोंदनी करना हो या फिर चाहे और भी काम हो, दोस्तों जब आप नोनी खुद ही कर लेंगे तो 100% सेफ है, कोई इशू नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलाल से ही या एजेंट से आपको नोनी करनी चाहिए, ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी नोंदनी या बांधकाम कामगार से रिलेटेड काम करना सीख जाएंगे तो होने वाले उन फायदों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला फायदा तो ये होगा, जब आप अपनी नोंदनी खुद करेंगे तब आपको किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये काम तो सिर्फ आप 37 रुपये में भी कर सकते हैं, आपको कम खर्च आएगा। तो ये हुआ पहला फायदा। अब मैं आपको दूसरे फायदे के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब आपने अपनी नोनी खुद की हो तब आपको स्मार्ट कार्ड लेने के लिए अपनी नज़दीकी जिला कामगार ऑफिस जाना होगा, और जब आप कामगार ऑफिस जाएंगे तब आपको वहाँ के अधिकारी स्मार्ट कार्ड डायरेक्ट आपके पास दे देंगे, ना ही किसी एजेंट या दलाल के पास, डायरेक्ट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ दूसरा फायदा। अब मैं आपको और एक फायदे के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब आप जिला कामगार ऑफिस जाना आना रखोगे तब वहाँ के अधिकारी आपको एक दो टाइम देख ही लेंगे, तब उन्हें भी ये लगेगा अब बांधकाम कामगार ही ऑफिस आ रहे हैं, और आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान भी बढ़ जाएगी। ऐसे और भी अनगिनत फायदे आपको हो सकते हैं। बस आप सभी से यही कहूँगा, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और दोस्तों, आप सभी की क्या राय है ये मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।